will start registering the candidate in PF portal. How to register the candidate in PF portal? Then in Pradhan Mantri Yojana, in Pradhan Mantri Yojana, jo aapka 12% ka benefit hai, wo aapko government degi. मतलब इक्वल बेनिफिट जो है आपको गवर्नमेंट देगी, तो एम्प्लॉयर के ऊपर से लायबिलिटी खत्म हो जाती है कि पीएफ उसका डिपॉजिट कराना है, तो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में डेबिट होना शुरू हो जाएगा। ये आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एम्प्लॉयर पोर्टल खोलना है। एम्प्लॉयर पोर्टल के लिए यूनिफाइड मेंबर पोर्टल आएगा आपका, क्लियर। फिल अप योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपने यूजर नेम पासवर्ड किया, गो टू दी मेंबर, मेंबर के अंदर रजिस्टर इंडिविजुअल। रजिस्टर इंडिविजुअल में क्या आएगा, ए नेम एज पर दी आधार। अब इसका नाम है आधार के हिसाब से एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का विजय कुमार, विजय कुमार। डेट ऑफ बर्थ इज इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन ये है आपका, व्यू करो कौन है जो हमने अभी किया था रजिस्टर। Then approve it. Search.
ये अभी यूएन जनरेट हुआ है आपका, क्लियर? सेव एज करो इसको। विजय, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया, यूएन रजिस्टर हो गया। वंस यू हैव रजिस्टर्ड द यूएएन, तो आपको अब इसको प्रधानमंत्री योजना के अंदर ले जाना है। ये अब क्या करना है आपको, इस पे जाना आपको, ये नहीं है, दिस इज नॉट, ईपीएफ इंडिया पे जाओगे बस, वे अगर प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन लॉगिन पे जाना है। लॉगिन करना है आपको अपनी साइट, जो सेम यूजर नेम पासवर्ड होगा जो एम्प्लॉयर का था, साइन अप करना है, साइन इन, साइड बाय साइड इधर से इसको अप्रूव भी कर दो डिजिटल सिग्नेचर लगा के, टाइप टू अप्रूव एक्टिविटी। टिल द टाइम ये अप्रूव हो रहा है, साथ में आप प्रधानमंत्री वाली, ये आ गया आपका पुराना, ये अप्रूवल का सिलेक्ट करो, अप्रूव कर दो। अप्रूव हो गया कैंडिडेट, एम्प्लॉई आपका अप्रूव हो गया यूएन के थ्रू, एम्प्लॉयर के थ्रू, राइट? Employees, how to register the new employee? One 4 double 5.